हेलो फ्रेंड, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके सर्वो मोटर का प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग टिंकर कैड ओपन कर लेंगे, फिर हम लोग कंपोनेंट सर्च करेंगे। आर्डिनो यूएनओ R3 पे क्लिक कर दीजिए, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। इसके बाद हम लोग लेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर दो टू टाइप के हैं, एक 3 पिन है एक 4 पिन है। तो हम लोग अभी 3 पिन का यूज करेंगे और एक ब्रेडबोर्ड ले लेंगे। एक ब्रेडबोर्ड ले लिया और एक सर्वो मोटर ले लेंगे, माइक्रो सर्वो। तो देखिए यहाँ पर सर्वो दो तरीके की है। ये सर्वो ग्रीन कलर की सर्वो प्लास्टिक गियर होती है, ब्लैक कलर की सर्वो मेटल गियर होती है। दोनों में से कोई भी एक सर्वो ले सकते हैं, हमने ग्रीन ले लिया है। अब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम लोग ब्रेडबोर्ड के ऊपर रखेंगे, हमने ब्रेडबोर्ड के ऊपर रख दिया है। अब हम लोग कनेक्शन करेंगे। आपको पता है, जब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी कनेक्शन ब्रेडबोर्ड पे होता है तो पूरा ये 5 लाइन अंदर से इंटर कनेक्ट है। तो देखिए जब हम यहाँ पे कोई चीज कर्सर ले जा रहे हैं तो ये बता रहा है कि नीचे से ये इंटर कनेक्ट है, मतलब पावर यहाँ पे देंगे तो पूरा 5 पिन में ही रहेगा। अब हम लोग 5 वो VCC को आर्डिनो की, अल्ट्रासोनिक सेंसर की VCC पिन को आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जाके कलर चेंज करेंगे रेड। वायर कनेक्ट करने के लिए सिंपल, देखिए ये रेड कलर का ब्लॉक बनेगा तो वन टाइम क्लिक कर दीजिए तो वायर कनेक्ट हो जाएगी। और जहां पास से बेंड करना है, यहाँ पे बेंड करना है तो यहाँ पे एक बार वन टाइम क्लिक करिए तो वायर बेंड हो जाएगी। जहां पे वायर को बेंड करना है सिंपल क्लिक करिए। एक ग्राउंड है जिसको नेगेटिव कर देते हैं। अब हम लोग ट्रिक पिन कनेक्ट करेंगे। ट्रिक पिन आर्डिनो की 7 पिन से कनेक्ट कर देते हैं। इसका कलर हम लोग ऑरेंज कर देते हैं और इको पिन हमने कनेक्ट कर दिया आर्डिनो की 6 पिन से। 6 पिन से कनेक्ट कर दीजिए, ये लो। अब हम लोग सर्वो मोटर का कनेक्शन करेंगे। सर्वो मोटर में 3 पिन होती है, ग्राउंड पावर सिग्नल। ग्राउंड पिन GND होती है, GND को आर्डिनो के GND से कनेक्ट कर दीजिए। आर्डिनो के GND से उसको ब्लैक कर देते हैं। पावर पिन आर्डिनो की VCC पिन से कनेक्ट कर दीजिए। पावर कनेक्ट हो गया। अब सिग्नल पिन आर्डिनो की 0 से 13 पिन में से किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डिजिटल पिन से आप कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कोड सेक्शन में चलते हैं, तो कोड में क्लिक करेंगे तो देखिए ब्लॉक्स है। यहाँ ब्लॉक्स 3 टाइप के होते हैं, ब्लॉक्स, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट और टेक्स्ट। यहाँ पे 3 तरीके का ऑप्शन है। जो पहले से ब्लॉक है इसको ड्रैग करके डिलीट कर दीजिए, ड्रैग करके डिलीट करिए। अब जब हमेशा याद रखिएगा, जब भी सेंसर यूज करेंगे तो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो वेरिएबल पे क्लिक करिए और क्रिएट वेरिएबल पे क्लिक करिए और यहाँ पे अल्ट्रासोनिक लिख दीजिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर। यहाँ पे कोई भी स्पेस मत रखिएगा, दो नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखेंगे। ओके पे क्लिक करिए तो देखिए तीन ब्लॉक आ गए हैं। इसमें से सेट ब्लॉक का यूज करेंगे हम लोग, सेट ब्लॉक अल्ट्रासोनिक 2.0। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर की पिन रखेंगे तो इनपुट में जाइए तो रीड अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर, यहाँ पे देख लेंगे। ट्रिक पिन कनेक्ट है 7 और इको पिन कनेक्ट है 5। अब इसको हम लोग, अब इसकी जगह थोड़ा बड़ी करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको ड्रैग कर दीजिए, इसको स्मॉल करते हैं, यहाँ से छोटा करते हैं। अब ट्रिक पिन हमने कनेक्ट किया है 7 से, इको कनेक्ट किया है 6 से। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सीरियल मॉनिटर, तो आउटपुट पे क्लिक करिए और ये सीरियल मॉनिटर का ब्लॉक यहाँ पुट कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं, अब इसको छोटा करते हैं स्क्रीन और स्टार्ट सिमुलेट करते हैं और सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू आ रही है। यहाँ पास हेलो वर्ड आ रही है,
अल्ट्रासोनिक सेंसर पे जब क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शिकल आ जाएगा। यहाँ देखिए कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हेलो वर्ड लिख के आ रहा है यहाँ पास, क्योंकि हमने सीरियल मॉनिटर पर हेलो वर्ड लिखा है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर का ब्लॉक लगाना था, हम लोगों ने ब्लॉक नहीं लगाया है, तो स्टॉप करिए, वेरिएबल में जाइए और अल्ट्रासोनिक सेंसर का ब्लॉक यहाँ पुट कर दीजिए। अब स्टार्ट सिमुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पास अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू 99 आ रही है सेंटीमीटर में। जैसे जैसे ऑप्टिकल करीब आएगा वैल्यू डिक्रीज होगी, ऑप्टिकल दूर जाएगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी। अब हम लोग कंडीशन देते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू लेस देन 80 हो तो सर्वो मोटर ऑपरेट हो। तो अब हम लोग स्टॉप सिमुलेट करेंगे, कंट्रोल में जाएंगे और इफ एल्स की ब्लॉक ले लेंगे। इफ और एल्स का ब्लॉक, ये इफ एल्स का ब्लॉक है, ये इफ और एल्स। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन रखेंगे तो मैथ ब्लॉक में जाएंगे, फिर इस ब्लॉक को यूज करेंगे। किससे कंपेयर करना है, अल्ट्रासोनिक से, तो अल्ट्रासोनिक का ब्लॉक यहाँ रखेंगे और यहाँ पे कर देंगे 80 और इसको चेंज करके लेस देन इक्वल देन, मतलब कि 80 या 80 से नीचे तो सर्वो मोटर ऑपरेट हो जाए। सर्वो मोटर कितनी ऑपरेट हो, 90 डिग्री। तो अब हम लोग जाएंगे आउटपुट में और सर्वो रोटेट सर्वो ऑन पिन इसका ब्लॉक लेंगे, एक पुट करेंगे यहाँ पास और एक यहाँ पे पुट करेंगे। रोटेट सर्वो ऑन पिन, यहाँ पे सर्वो के पिन, सर्वो कनेक्ट है सेकेंड पिन से और यहाँ पे डिग्री देना है, कितनी डिग्री ऑपरेट करना है, हमने दे दिया 90 डिग्री। फिर यहाँ पर भी सर्वो टू पिन पे और यहाँ 0 डिग्री। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करेंगे और इसके बाद सीरियल मॉनिटर क्लिक करिए। अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू यहाँ से चेंज करते हैं। ऑब्स्टिकल कैसे आएगा, जब अल्ट्रासोनिक सेंसर पे आप क्लिक करेंगे तो ऑब्स्टिकल आ जाएगा। अभी वैल्यू कितनी है, 125, तो सर्वो ऑपरेट नहीं हो रही क्योंकि हमने कंडीशन में क्या दिया है कि जब अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू 80 से नीचे हो तब 90 हो। तो यहाँ अल्ट्रासोनिक सेंसर पे क्लिक करिए, स्टार्ट सिमुलेट पे क्लिक करिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर पे ये ऑब्स्टिकल आ गया, ये देखिए 180 से नीचे हुआ तो सर्वो मोटर देखिए ये ऑपरेट होने लगी। जैसे ही 80 से ज्यादा रेंज होगी तो सर्वो मोटर अपनी जीरो कंडीशन पे पहुंच जाएगी। अब हम लोग यहां से चेंज करते हैं, ये 90 की जगह 120 कर देते हैं। अब स्टार्ट सिमुलेट करते हैं, अगर आपको यहां से वैल्यू भी चेंज करनी है तो देखिए यहां पे 100 कर देते हैं। अब स्टार्ट सिमुलेट करिए, ऑब्स्टिकल पे क्लिक करिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर पे क्लिक करिए, ऑब्स्टिकल आ गया 129 है, सीरियल मॉनिटर ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए ऑब्स्टिकल नीचे आएगा तो सेंसर देखिए सर्वो मोटर ऑपरेट होने लगी, 120 डिग्री पे जाके स्टॉप हो जाएगी। फिर ये दूर जाएंगे तो ये 120 की 100 के ऊपर वैल्यू जाएगी तो सर्वो मोटर अपनी जीरो कंडीशन पे पहुंच जाएगी। कम होगी तो 120, ज्यादा होगी तो अपनी पुरानी कंडीशन पे 0 डिग्री पहुंच जाएगी। अब देखिए ये कोड हमारा ब्लॉक्स में है, अब इसको टेक्स्ट में हमें कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें क्या करना होगा, ये ब्लॉक्स पे जाइए और क्लिक करिए और यहाँ पे ब्लॉक प्लस टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमें ये टेक्स्ट कोड मिल जाएगा। टेक्स्ट कोड मिल गया है तो टेक्स्ट कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जैसे हमने कंट्रोल ए दबाया और कॉपी कर लिया। अब इसके बाद ये कहाँ पे रीड करना है, ये हमें आर्डिनो आईडीई में, ये आर्डिनो आईडीई है, पहले से इसको डिलीट करते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा कोड यहाँ हमने पेस्ट कर दिया है। अब इसको कंपाइल करने के लिए आर्डिनो आईडीई हमारी वेबसाइट पे आप चले जाएं तो वहाँ पर आर्डिनो की आप पूरी डिटेल दी हुई है। हमारी वेबसाइट का नाम है easytronic.com, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपनी वेबसाइट के, वहाँ पर आर्डिनो कैसे यूज करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, सारी चीज दी हुई है हार्डवेयर में। अब यहाँ कंपाइल पे हम क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन मांगेगा, तो यहाँ हम अल्ट्रासोनिक लिख देते हैं, अल्ट्रासोनिक हमने लिख दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो देखिए हमारा जब कोड कंपाइल होगा तो यहाँ पे कंपाइल डन लिखेगा, अभी हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, एक मिनट लगेगा कंपाइल होने में, ये अप्रोक्स कंपाइल हो ही गया है, ये देखिए डन कंपाइलिंग। अब आर्डिनो हार्डवेयर में अपलोड करने के लिए क्या करते हैं, टूल पे जाते हैं
और देखिए यहाँ पे बोर्ड चेक करते हैं, बोर्ड अगर चेंज है तो इस पर क्लिक करिए, आर्डिनो यूएनओ पे जाइए और आर्डिनो यूएनओ सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद फिर अगेन टूल पे जाएंगे, देखिए यहाँ पोर्ट नहीं शो हो रहा है। पोर्ट क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि आर्डिनो यूएनओ हमने लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया है, अब हमने आर्डिनो यूएनओ कनेक्ट कर दिया है, तो देखिए अब हमारा पोर्ट शो करेगा। पोर्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अपलोड कर देंगे, तो हमारा ये जो पोर्ट जो हमने बनाया है टिनकर कैड में, ये हार्डवेयर में अपलोड हो जाएगा। आर्डिनो आईडीई की मदद से हार्डवेयर में हमने अपलोड कर लिया है। ब्लॉक प्लस टेस्ट कहाँ से मिलेगा? इस पे जाइए, पहले ब्लॉक में कोड बना लीजिए, फिर ब्लॉक प्लस टेस्ट कर दीजिए, टेक्स्ट कर दिए तो आपको ये टेक्स्ट में सारा कोड मिल जाएगा। आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और आर्डिनो आईडीई पेस्ट करके आर्डिनो कंट्रोल में कंट्रोलर में अपलोड कर दिए, और सेम सर्किट देख के इस तरीके बना लीजिएगा। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड।